Welcome back. In this video, we are going to learn about the methods of dissolution of partnership firm. Last video में हमने सीखा था what is the meaning of dissolution of firm and dissolution of partnership. फिर उसके बाद हमने difference वो सीखा था. Now we are going to learn about dissolution of partnership firm and its method and its legal provisions. So let's start. Dissolution of partnership firm. In this chapter, we will undertake study of important aspects of the dissolution of a partnership firm. Subsequently, we will undertake study of accounting treatments for the dissolution of a firm. First of all, हम इसका meaning समझ लेते हैं, बाद में उसकी accounting treatments के बारे में हम सीखेंगे. First, method of dissolution of firm, legal and other provisions for accounting settlement of dissolution and procedure of dissolution. First, we will start with methods of dissolution of firm. As per Indian Partnership Act 1932, there are two methods for dissolution of partnership firm. First is normal dissolution or dissolution without interference of court, and second is dissolution by the court. फर्स्ट जो है वो नॉर्मल डिसोल्यूशन यानी कि वॉलेंटरी जो जितने भी पार्टनर्स है कंपनी में बिजनेस में पार्टनरशिप फर्म में वो म्यूचुअली डिसाइड करके अपनी कंपनी को बंद कर देते हैं विच इज नोन एज डिसोल्यूशन नॉर्मल डिसोल्यूशन और डिसोल्यूशन विदाउट इंटरफियरेंस ऑफ कोर्ट उसमें कोर्ट कोई भी तरह की इंटरफियरेंस नहीं करता एंड द अनदर इज डिसोल्यूशन बाय कोर्ट कोर्ट ही ये जो कंपनी है उसका डिसोल्यूशन करती है फर्स्ट नॉर्मल डिसोल्यूशन और रिजोल्यूशन विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट उसके बारे में हम सीखेंगे थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट नॉर्मल डिसोल्यूशन की भी चार मेथड है चार मेथड से वो अपने फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट इज बाय एग्रीमेंट When all partners agree to dissolve the firm, partnership firm can be dissolved at any point of time. It is voluntary dissolution. अगर mutually partners जो है वो decide कर दें और सारे partners उसमें agree करते हैं कि हाँ ठीक है हम अपने firm को अब close कर देते हैं. So this is by agreement. यानी कि एक agreement pass होता है उसमें सारे partners के sign किए जाते हैं सारे partners agree हैं और फिर इस तरह से वॉलेंटरी डिसोल्यूशन किया जाता है दिस इज फर्स्ट बाय एग्रीमेंट अनदर इज डिसोल्यूशन एज पर कॉन्ट्रैक्ट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स अगर पहले से ही पार्टनर्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के बाद ये जो फर्म है ये जो पार्टनरशिप है उसको हम क्लोज कर देंगे अगर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो पार्टनर्स साथ में काम कर रहे थे तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद वो अपने फर्म को क्या कर देंगे डिसॉल्व थर्ड इज डिसोल्यूशन एज पर एक्ट इन द फॉलोइंग कंडीशंस देयर इज कंपलसरी डिसोल्यूशन बाय द एक्ट फर्स्ट इज व्हेन ऑल पार्टनर्स ऑफ द फर्म बिकम इंसॉल्वेंट और एक्सेप्ट वन ऑल पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट अगर सपोज कि तीन पार्टनर्स है उसमें से दो पार्टनर्स जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं यानी कि अब उसके पास कोई भी तरह के पेमेंट कोई भी तरह की इनकम उसके पास पैसे नहीं है वो अपनी लायबिलिटीज को पे नहीं कर सकता कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट जो है वो डिक्लेयर कर दिया है तो ऐसी कंडीशन में भी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म यानी कि फर्म क्लोज हो जाता है Another is when business of firm become illegal, this also brings dissolution of partnership firm. अगर जो business है वो illegal है, when business of firm becomes illegal, first जब उसको permission मिली होगी business करने के लिए तब वो legal था लेकिन बाद में अगर वो firm illegal हो जाता है ऐसी condition में भी dissolution of partnership firm made. Fourth is Dissolution on happening of certain contingencies. First is if constitutes for a fixed term by the expiry of that term. अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कोई भी पर्पस पूरा करने के लिए पार्टनर्स
साथ में मिलके कोई भी एक बिजनेस चला रहे हैं, उनको पर्पस कंप्लीट हो चुका है, तो फिर वो क्या कर देंगे, वो कंपनी को क्लोज कर देंगे. एंड अनदर इज इफ कंसिड्यूड टू कैरी आउट स्पेसिफिक एम बाय द कंप्लीशन थेरॉफ. अगर उसका कोई एम है पर्टिकुलर, वो एम के कंप्लीशन होने के बाद वो क्या कर देंगे, फॉर्म को डिसॉल्व कर देंगे. नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन बाय नोटिस. वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल, अ फर्म में बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म. The firm is dissolved as from the date mentioned in the notice as the date of dissolution, or if no date is so mentioned as from the date of service of the notice. अगर कोई भी partner है उसको अब partnership में या तो फिर उस partnership firm में काम नहीं करना है तो वो क्या करेगा? A firm may be dissolved by any partner giving notice in writing to all the other partners. एक partner जो है वो सारे partners को एक notice देगा कि अब ये जो फर्म है, ये जो बिजनेस है, हमें क्लोज करना है. तो ये नोटिस के थ्रू भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो सकता है. अनदर इज डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट. ऊपर जो पांच सर्कमस्टांसेस थे वो थे नॉर्मल डिसोल्यूशन के. अब जो है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट. व्हेन एनी पार्टनर फाइल अ सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म of any of the following grounds and the court orders to dissolve them. ये नीचे दी गई हुई अगर कोई भी conditions partnership firm में occur होती है तो court जो है वो उस company को notice देके वो company को dissolve बंद करा सकता है. First is when any partner become of unsound mind. अगर कोई भी partner है वो पागल हो जाता है, जिसका mind अब अच्छे से work नहीं कर पाता. Unsound mind यानी कि अब उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में जो है कोर्ट वो फर्म को डिसॉल्व करने की परमिशन दे. सेकंड इज व्हेन अ पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एज अ पार्टनर. अगर कोई भी पार्टनर है वो परमानेंटली इनकैपेबल हो जाता है टू परफॉर्म हिज ड्यूटी. थर्ड वन इज व्हेन अ पार्टनर अंडरटेक्स misconduct against partnership firm or against business of the firm. अगर कोई भी partner है वो अपनी company अपने business के प्रति liable नहीं है, it means that वो misconduct against partnership firm यानी कि partnership firm के साथ misconduct कर रहा है, तो ऐसी condition में भी court जो है वो उस company को dissolve करने का order दे दे. When a partner willfully and रिसेंटली ब्रिजिज द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो भी प्रोविजन्स, जो भी लॉ लिखे हुए होते हैं, जो भी रूल्स लिखे हुए होते हैं, उसको परसिस्टेंटली यानी कि इरादा अपने इरादे से उसको ब्रेक करता है, यानी कि वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता, वो जानबूझ के गलतियां करता है और रूल्स तोड़ता रहता है, तो ऐसे कंडीशन में भी कोर्ट जो है वो उसको या उस पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे सकती है. व्हेन अ पार्टनर ट्रांसफर हिज होल इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप टू द थर्ड पार्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, यानी कि जो पार्टनर है वो अपना जितना भी इंटरेस्ट है वो थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देता है विदाउट परमिशन ऑफ अदर पार्टनर्स. वो भी क्या हो गया, वो अपने ही बिजनेस के पार्टनर्स के साथ जो है वो फ्रॉड कर रहा है. व्हेन अ फर्म कंटिन्यूअसली इनकर्स लॉसेस एंड इज अनेबल टू रन अ बिजनेस ड्यू टू लॉस. अगर कोई भी फर्म है वो कंटिन्यूअसली जो है वो लॉस ही सफर कर रहा है, अब वो जो है अनेबल टू रन यानी कि लॉस ही करता जा रहा है, तो वो आगे चलकर वो कंपनी नहीं चला सकता, तो ऐसी कंडीशन में भी कोर्ट जो है वो कंपनी को जो बंद करने का ऑर्डर दे सकता है. एंड द लास्ट वन इज व्हेन द कोर्ट फाइंड्स एनी अदर ग्राउंड टू बी जस्ट एंड इनक्वाइटेबल फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. अगर इसके अलावा भी कोई ऐसे मजबूत कारण कोर्ट को लगते हैं तो ऐसे कंडीशन में भी वो परमिशन देगा पार्टनरशिप फर्म को टू डिसॉल्व दैट बिजनेस. सो ये थे डिसोल्यूशन बाय कोर्ट के सर्कमस्टांसेस. अब नेक्स्ट पॉइंट है लीगल एंड अदर प्रोविजंस फॉर अकाउंटिंग सेटलमेंट और डिसोल्यूशन. फर्स्ट इज फॉर लॉस ऑफ द फर्म.
As per Indian Partnership Act, the loss arises including capital deficit at the time of dissolution is executed in the following manner. अगर कंपनी में जो लॉस है, there are loss arising including capital deficit. So first of all, to be written off from the profit of the firm. जितने भी losses है, जितनी भी deficit है capital की, वो return off किए जाते हैं against profit of the firm. Second thing is, if profit is not sufficient, then it will be made from the capital of the partners. अगर firm की capital इतनी sufficient नहीं है, so it is written off against partners' capital. Third is, if capital is not sufficient, then all partners would distribute their loss in their profit and sharing ratio and prepay from their personal asset as per need. फिर भी अगर कैपिटल भी सफिशियंट नहीं हो रही है तो पार्टनर्स जो है वो अपने पर्सनल इनकम में से, पर्सनल प्रॉपर्टी में से ये जो डेफिशिट है इसको जो है कंपेंसेट करेगा. सेकंड थिंग इज, लायबिलिटीज ऑफ द फर्म एंड पर्सनल लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स. द लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड. दस फॉर ड्यूज टुवर्ड्स थर्ड पार्टी पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली. As per legal provision, assets of the firm are used to discharge the liabilities of the firm and personal assets of partners are used to discharge their personal liabilities. Since the liability of the partner is unlimited, after making the payment of personal liabilities from personal assets, surplus can be used to pay the liability of the firm. अब पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है. अगर पार्टनर्स कोई भी बिजनेस में आ रहा तो बिजनेस के जितने भी लाइबिलिटीज है, अगर बिजनेस की इनकम में से, बिजनेस की असेट में से वो कंपेंसेट नहीं हो रहा तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल असेट भी बेच के वो सारे लाइबिलिटीज पे करनी पड़ेगी. थर्ड वन इज, पार्टनर्स लोन टू फर्म एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल द डिसोल्यूशन एक्सपेंस एंड देन the liabilities of the firm are paid from the realization of asset of the firm. अगर partners ने business को loan दी है तो वो loan सबसे पहले तो अगर कोई भी company dissolve हो रही है तो first of all dissolution expense can be paid. Thereafter the liabilities of the firm will be paid. उसके बाद अगर कोई भी other liabilities है partners से related या तो फिर partners की wife से related या तो फिर any other, वो इसके बाद पे की जाती है. फर्स्ट ऑफ ऑल एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड फर्स्ट. एमसीक्यू या तो फिर वन मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन विच एक्सपेंस इज पेड फर्स्ट. सो डिसोल्यूशन एक्सपेंस, देयर आफ्टर लायबिलिटीज ऑफ द, देन फ्रॉम सरप्लस द लोन ऑफ पार्टनर इज रिड्यूस्ड. फिर भी अगर सरप्लस कुछ अमाउंट बच जाती है तो लोन ऑफ पार्टनर विल बी पेड. If after making the payment of firm's liabilities, the available surplus is insufficient to return back loan of more than one partner or nothing can be recovered from partners, in this case the loan of these partners is redeemed in their loan proportion. अगर एक से ज्यादा partners ने loan दी है और सारे loan चुकाने के लिए sufficient balance firm के पास नहीं है तो उसके loan के ratio के हिसाब से जितनी भी surplus amount है उसको distribute करके तीनों पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स है उसको पे की जाती है. उसके बाद है लोन ऑफ पार्टनर्स वाइफ. इफ वाइफ ऑफ द पार्टनर हैज गिवन अ लोन टू द फर्म फ्रॉम हर पर्सनल फंड्स, दिस लोन विल बी ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी एंड विल बी रिडीम अकॉर्डिंगली. इफ लोन इज गिवन फ्रॉम द पर्सनल फंड फॉर हर हस्बैंड, देन इट विल बी ट्रीटेड एज लोन ऑफ अ पार्टनर. अगर पार्टनर की वाइफ ने बिजनेस को लोन दी है तो वो लायबिलिटीज ऑफ थर्ड पार्टी कंसिडर करके पे की जाएगी. बट अगर लोन इज गिवन फ्रॉम पर्सनल फंड ऑफ हर हस्बैंड, यानी कि अपने हस्बैंड के पर्सनल फंड में से उसने लोन ली है तो वो पार्टनर्स की लोन की तरह ही कंसिडर की जाएगी. उसके बाद है लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स. लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड इफ अ पार्टनर और पार्टनर्स बिकम्स इनसॉल्वेंट. Solvent partners are responsible to pay the dues of the firm from their personal property. अगर एक partner जो है वो insolvent हो जाता है तो अदर जितने भी solvent partners है वो सारी liabilities pay करें.
उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट रियलाइजेशन ऑफ फर्म. द रियलाइजेशन ऑफ असेट ऑफ द फर्म इज पेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर. इसी ऑर्डर में एट द टाइम ऑफ रिजोल्यूशन सारे असेट्स जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में इफेक्ट दी जाती है. फर्स्ट इज फर्स्ट ऑफ ऑल रिजोल्यूशन एक्सपेंस इज पेड. ये जो है वो प्रोसीजर है एक तरह की एट द टाइम ऑफ रिजोल्यूशन. स्टेप वाइज सारे जो है ट्रांजेक्शन किए जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल रिजोल्यूशन एक्सपेंसिज पेड. फर्स्ट ऑफ ऑल रिजोल्यूशन एक्सपेंसिज ऑलवेज पेड. नेक्स्ट लाइबिलिटीज टूवर्ड्स थर्ड पार्टी आर पेड. लाइबिलिटी टूवर्ड्स थर्ड पार्टी यानी कि थर्ड पार्टी के पास से जितनी भी लाइबिलिटी हमें उसको पे करनी है वो पे की जाएगी. थर्ड नेक्स्ट लोन ऑफ पार्टनर्स पे. उसके बाद पार्टनर की लोन पे की जाएगी. उसके बाद कैपिटल एंड बैलेंसेस ऑफ करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर आर रिड्यूस. देयर आफ्टर कैपिटल एंड करंट बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स आर रिड्यूस. उसके बाद अगर सरप्लस बचता है तो पार्टनर्स के करंट और कैपिटल अकाउंट में जितनी भी पेमेंट बाकी है वो कर दी. इवन इफ एनी सरप्लस रिमेन्स आफ्टर द पेमेंट शोन सरप्लस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स इन देयर पीएनएल रेशियो. फिर भी अगर अमाउंट सरप्लस बच जाती है तो वो सारे पार्टनर्स के बीच में इन देयर पीएनएल रेशियो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी. उसके बाद है जनरल प्रोसीजर ऑफ डिसोल्यूशन. व्हेन अ फर्म इज डिसॉल्व एट द टाइम ऑल असेट ऑफ द फर्म आर सोल्ड एंड द पेमेंट इज मेड इन द मेंशन क्वार्टर. ड्यू टू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म विल बी क्लोज्ड. ये है जनरल प्रोसीजर. इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स ऑफ रिजोल्यूशन के बारे में हम सीखें. सो अब तक जो हमने सीखा है उसको रिवाइज करते रहिए, रीड करते रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू पॉइंट्स. तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे.